योद्धा के रूप में शत्रु पक्ष का की पहचान करके उनको पराजित करके और राष्ट्र के दीर्घकालिक हित के लिए जो नीतियाँ चाहिए जो नीयत चाहिए जो नेतृत्व चाहिए वो प्रदान कर रहे हैं तो उनके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं अब ये 400 के पार जाएगा कि कहाँ तक 400 के नीचे रह जाएगा कि किस प्रकार से ये पूरा चलेगा ये तो राजनेता लोग ज़्यादा जानते हैं क्योंकि मैंने आपद धर्म के रूप में राजनीतिक जागरूकता पॉलिटिकल अवेयरनेस को चुना हुआ है इस समय मैं निन्यानवे प्रतिशत अपने योग धर्म सेवा धर्म भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था की प्रतिष्ठापना के द्वारा शिक्षा की गुलामी चिकित्सा की गुलामी भाषा की गुलामी आत्मग्लानी और कुंठाओं से इस देश को बाहर निकालने में लगा हुआ हूँ एक प्रतिशत जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो राष्ट्र धर्म के लिए मैं उद्यत हूं इंडिया गठबंधन को कुछ कहना चाहेंगे? इंडिया गठबंधन से मैं एक ही बात कहूंगा कि सनातन धर्म जो शाश्वत सांस्कृतिक प्रवाह और हिंदू धर्म के जो शत्रु पक्ष हैं जो भारत विरोधी सनातन विरोधी ताकते हैं यदि इंडिया गठबंधन वाले अपने सनातन धर्म और हिंदू धर्म के मर्म को न जान करके जरा से भी कोई अवहेलना करेंगे तो उनका राजनीतिक रूप से बड़ा नुकसान होगा इसलिए उनको सनातन धर्म और हिंदू धर्म के राष्ट्र धर्म के संदर्भ में बात ही सजी संजीदगी और संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता देशवासियों से और मतदाताओं से क्या अपील करना चाहिए आओ करें मतदान की चोट और मिटाएं लोकतंत्र की खोट मैं सन्यासी होने के बावजूद आप देखते हो हर बार मतदान करता हूं और वो इसलिए करता हूं क्योंकि पांच लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं की शहादत की बदौ हमको वोट देने का अधिकार मिला माने लोकतंत्र जो देश का संविधान है उसको बचाने के लिए और भारत के 500 500 वर्षों के भविष्य के लिए हमें वोट देना चाहिए मैं एक तरफ अपने सांस्कृतिक संविधान को महत्व देता हूँ वहीं राजनीतिक संविधान को लोकतंत्र को और उसको मजबूत बनाने के लिए वोट करने को भी बराबर का महत्व देता हूं हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद